हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर का टेस्ट नंबर 12। तो अभी तक अगर आपने जो है इसके टेस्ट 11 नहीं लगाए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें इस ट्रैफिक इंस्पेक्टर की सीरीज़ की, तो ये जो है हमने HPSSC के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो HPSSC के ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है, ये आपके आने वाले इस ट्रैफिक इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर इसके साथ साथ अगर आप किसी और एग्ज़ाम की प्रेपरेशन भी कर रहे हो तो उसमें भी ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, कसौली के निकट सनावर में लॉरेंस आश्रम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ऑफिशियल आंसर की मैं इसका राइट आंसर देखे रखा हुआ है 1847 में, कि लॉरेंस आश्रम जो है उसकी स्थापना 1847 में हुई थी। लेकिन अगर आप जो हिमाचल दर्पण बुक है उसे देखते हो तो वहाँ पर इसका राइट आंसर है 1861 में। तो अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम जॉन लॉरेंस की बात करें तो जॉन लॉरेंस के प्रयासों से 1864 में शिमला जो थी भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई थी, 1864 से लेकर के 1947 तक। तो ये पॉइंट आपको नोट रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाबा बनारसी दास किस राज्य में प्रसिद्ध संत थे? तो बाबा बनारसी दास जो थे ये थे सिरमौर में प्रसिद्ध संत थे। और अगर हम सिरमौर की बात करें तो इसकी स्थापना जो थी 15 अप्रैल 1948 को हुई थी। और सिरमौर जो है इसके प्राचीन निवासियों को कुलिंद कहा जाता है, और सिरमौर का प्राचीन नाम था सुलोकिना। इसकी जो स्थापना थी सिरमौर रियासत की 1139 ईस्वी में जैसलमेर के राजा सालवाहन के पुत्र राजा रसालू के द्वारा की गई थी। और जो सिरमौर रियासत है इसका अंतिम शासक था राजेंद्र प्रकाश, और राजेंद्र प्रकाश जो था इसके टाइम में सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना जो थी 1937 में की गई थी। और इसके टाइम में ही राजेंद्र प्रकाश के समय में पछौता आंदोलन हुआ था 1942 में। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामृत्युंजय मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो महामृत्युंजय मंदिर है मंडी ज़िले में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और मंडी की बात करें कि यहाँ पर अदर कौन कौन से टेंपल हैं, तो यहाँ पर एक है भूतनाथ टेंपल, श्यामा काली टेम्पल, परासर और मगरू महादेव टेम्पल और माधोराव टेम्पल। तो ये जो है ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये पॉइंट्स भी आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में जो है स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ये है जुंगा में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राचीन समय में अधिकांश पहाड़ी लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो प्राचीन समय में अधिकांश पहाड़ी लोगों द्वारा कोलारियन भाषा बोली जाती थी, ऑप्शन नंबर डी। और मैं यहाँ पर आपको जितने भी आंसर बता रही हूँ वो ऑफिशियल आंसर की इसके आधार पर ही बता रही हूँ। और अगर हम बात करें कि इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति व भाषा अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1968 में। तो ये भी आपको नोट रखना है कि हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति व भाषा अकादमी की स्थापना हुई थी 1968 में। और पहाड़ी भाषा जो है इसका जन्म हुआ है दर्री और पिसाची भाषा में, और ये किसने कहा था, ये कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इट मीन्स कि जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे उन्होंने कहा था कि पहाड़ी भाषा का जन्म जो है वो दर्री और पिसाची भाषा से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश से संबंधित कौन सा सेना अधिकारी सेना स्टाफ का प्रमुख बना? तो ये कौन था, ये था V.N. शर्मा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष में प्रथम राष्ट्रीय शीत खेल आयोजित हुए थे? तो हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2000 में जो था राष्ट्रीय शीत खेल आयोजित हुए थे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर थी? तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर थी ये थी विद्या स्टोकस, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर है। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे जयवंत राम, और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे श्री कृष्ण चंद्र। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर सेतु नहीं है?
तो ऐसा कौन सा ब्रिज है जो कि सतलुज रिवर पर नहीं है? तो कंदरौर की बात करें तो ये भी सतलुज रिवर पर है, सलापर भी जो है सतलुज रिवर पर है, और लूरी भी जो है सतलुज रिवर पर है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसकी कंदरौर की बात करें तो एशिया का सबसे ऊंचा पुल है कंदरौर, और इसकी बात करें सलापड़ की तो ये जो है मंडी और बिलासपुर की सीमा बनाता है सलापड़। और लूरी जो है लूरी ब्रिज ये जो है शिमला और कुल्लू की सीमा बनाता है। तो ये पॉइंट जो है आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1926 में नाहन में महिमा लाइब्रेरी किसने स्थापित की थी? तो 1926 में जो है महिमा लाइब्रेरी स्थापित की थी अमर प्रकाश ने। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अमर प्रकाश की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो था इन्होंने अपना योगदान दिया था, जिसके कारण जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1918 में इन्हें महाराजा की उपाधि दी थी। तो ये भी आपको नोट रखना है। और 1915 में जो है इन्हें नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये भी आपको नोट रखना है। और इनकी बात करें, ये जो महिमा लाइब्रेरी है, महिमा लाइब्रेरी जो नाम था अमर प्रकाश ने अपनी पुत्री के नाम पर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुल्कसर तवारीख है रियासत चंबा पुस्तक किसने लिखी? तो मुकलसर तवारीख है रियासत चंबा पुस्तक जो थी ये गरीब खान ने लिखी थी, गरीब खान ने। और एक और बुक है एंटिकस ऑफ चंबा स्टेट, एंटिकस ऑफ चंबा स्टेट बुक जो थी वो लिखी थी बीसी छाबड़ा ने। तो ये पॉइंट भी आपको नोट रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोखरे का धान हिमाचल प्रदेश की निम्न में से किस घाटी की प्रसिद्ध फसल है? तो धोखरे का धान जो है ये है पब्बर घाटी, पब्बर घाटी की प्रसिद्ध फसल है। और इसकी बात करें अगर पब्बर घाटी की तो पब्बर घाटी जो है इसे रोहड़ू घाटी के नाम से भी जानते हैं, और इसकी प्रमुख नदी है पब्बर नदी, और पब्बर नदी का उद्गम होता है चांसल चोटी से। यहाँ हमसे एक क्वेश्चन छूट गया है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। मंडी कस्बे के मध्य में किस स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति स्थापित की गई है? तो मंडी कस्बे के मध्य में जो है हिरदा राम स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति स्थापित की गई है। तो अगर हम हिरदा राम की बात करें तो ये थे गदर पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिन्हें पंजाब में बम बनाने के प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। और गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब पकड़ लिया गया था, और इन्हें भी पकड़ लिया गया था, और फिर लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के लिए इन्हें जो था प्राण दंड दे दिया गया था, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया था। और जब ये जेल में थे तो वहाँ से ये भागने में सफल हो गए थे, और ये चले गए थे गढ़वाल में बद्रीनाथ, जहाँ पर ये स्वामी कृष्णानंद के नाम से मशहूर हुए थे। अपना नाम इन्होंने स्वामी कृष्णानंद रख लिया था। और फिर ये बाद में जाके कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे, और फिर ये 1917 में सिंध प्रांत के अहिंसात्मक आंदोलन में कूद पड़े थे भाई हिरदा राम। और फिर से इन्हें पकड़ लिया गया, तो फिर हिरदा राम जो थे इन्हें काले पानी की सज़ा दे दी गई थी, अंडमान में है तो वहाँ पर इन्हें भेज दिया गया था, काले पानी की सज़ा हो गई थी बाद में जाके इन्हें। तो ये भी आपको नोट रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नाथपा झाकरी परियोजना की मुख्य सुरंग कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है रतनपुर से मंगलपुर तक। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो लंबाई है नाथपा झाकरी परियोजना की है 28 किलोमीटर, और हिमाचल प्रदेश में इसका हिस्सा है 25%। और ये जो है नाथपा झाकरी परियोजना, इसको धन कौन उपलब्ध करवा रहा है? तो ये केंद्र सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है नाथपा झाकरी परियोजना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाथपा झाकरी परियोजना जो है किसके सहयोग से चलाई जा रही है, तो विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। 1500 मेगावाट इसकी क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में किस खड़ के किनारे मछली प्रजनन के लिए दियोली फार्म स्थित है? तो दियोली फार्म है अली खड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा स्थान द प्रिज वैली ऑफ हिमाचल के रूप में प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थान है द प्रिज वैली ऑफ हिमाचल के रूप में प्रसिद्ध है? तो वो हो जाएगा राजगढ़ सिरमौर, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक औद्योगिक केंद्र नहीं है? तो यहाँ पर सोलन जो है एक औद्योगिक केंद्र है, बरोटी वाला भी, परवाणु भी, पर अर्की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिलासपुर का सरयू मेला किसको समर्पित है? तो ये है हिडिंबा देवी। ऑप्शन आंसर की मैं इसका राइट आंसर दे के रखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी, पर अगर किसी को इसके बारे में अदर नॉलेज है तो वो कमेंट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाबा भालकू रेल म्यूज़ियम स्थित है? तो बाबा भालकू रेल म्यूज़ियम स्थित है, ये है शिमला में। और बाबा भालकू जो थे इन्होंने कालका शिमला रेलवे लाइन का छड़ी द्वारा परीक्षण किया था, सर्वे किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में भुंडा उत्सव संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश में जो भुंडा उत्सव है ये है परशुराम से संबंधित, और ये 12 वर्षों के बाद जो है भुंडा उत्सव मनाया जाता है और परशुराम की पूजा की जाती है इसमें भुंडा उत्सव में 5 स्थानों पर की जाती है। और ये 5 स्थान कौन कौन से हैं? तो मंडी में है एक कावा और ममेल, और कुल्लू में है मिरमंट और नीरथ, और शिमला में है दत्तनगर, जहाँ पर जो है इसकी परशुराम की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रानी खैरागढ़ी स्वतंत्रता आंदोलन में कहाँ शामिल हुई? तो रानी खैरागढ़ी जो थी स्वतंत्रता आंदोलन में लखनऊ में शामिल हुई थी, और रानी खैरागढ़ी जो थी ये मंडी से संबंध रखती थी, मंडी ज़िले से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1986 में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के प्रथम चेयरमैन कौन बने? तो 1986 में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के प्रथम चेयरमैन जो थे ये बने थे जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य के राजा ने अपनी पुत्री का विवाह बंदा बैरागी से करवाया? तो कौन किस रियासत का राजा था जिसने अपनी पुत्री का विवाह बंदा बैरागी से करवाया था? तो वो था चंबा का, चंबा का राजा था जिसने अपनी पुत्री का विवाह जो था बंदा बैरागी से करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कांगड़ा राज्य का उल्लेख करने वाला प्रथम इतिहासकार था? तो वो था फरिश्ता, फरिश्ता ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खीर गंगा गर्म पानी का स्रोत है? तो खीर गंगा गर्म पानी का स्रोत है कुल्लू में, और ये पार्वती नदी से संबंध रखता है, और खीर गंगा जो है ये गर्म पानी का स्रोत है, ये भी आपको नोट रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रात्रि में महिलाओं के नियोजन पर प्रतिबंध इसके द्वारा लाया गया? तो रात्रि में महिलाओं के नियोजन पर प्रतिबंध जो था ये लाया गया था कारखाना अधिनियम 1883 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाल श्रम अधिनियम 1986 का उदाहरण है? तो बाल श्रम अधिनियम का क्या उदाहरण है? तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संरक्षी श्रम विधायन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अधीन निश्चित न्यूनतम वेतन डैश में कम से कम एक बार पुनरीक्षित किया जाना चाहिए? तो वो है 5 वर्ष। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अधीन निश्चित न्यूनतम वेतन 5 वर्ष में कम से कम एक बार पुनरीक्षित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पंजीकृत श्रमिक संघ अपने सदस्यों से इस रूप में राजनीतिक निधि एकत्रित कर सकता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक निधि एकत्रित नहीं कर सकता, पंजीकृत श्रमिक संघ जो है अपने सदस्यों से राजनीतिक निधि एकत्रित नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा श्रम विधायन केवल केंद्रीय कार्यान्वयन तंत्र द्वारा लागू किया जा सकता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। तो कौन सा निम्न में से कौन सा श्रम विधायन केवल केंद्रीय कार्यान्वयन तंत्र द्वारा लागू किया जा सकता है? तो वो है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।